दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूँ आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते रहते हैं और आज जो हम आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, ये कम पूंजी में शुरू होने वाला बिजनेस है। इसे आप अपने घर से शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या ये बिजनेस है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मशीन है जिसको हम पेपर नैपकिन टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन कहते हैं। इसमें हमारा ये प्रोडक्ट निकलता है, ये आप देख सकते हो, ये टिश्यू पेपर है। इसको आप बड़ा छोटा जो भी साइज में बनाना हो बना सकते हो। ये टिश्यू पेपर बनाने की मशीन है। इसमें आप देख सकते हो उधर रोल लगेगा, पेपर का प्लेन पेपर का रोल है। ये आप देख रहे हो जैसे पेपर का प्लेन रोल लगा हुआ है, ये रोल मशीन में लगता है। इधर से आपका ये सारा एम्बोसिंग होके, ये जितना भी दानेदार टेक्सचर डला होता है, ये सारा एम्बोसिंग होके आपका यहाँ से पेपर आगे बाहर निकलता है। एम्बोसिंग होने के बाद मशीन खुद ब खुद इसको फोल्ड करके आगे नैपकिन का कटिंग करके, बैंड सॉ मशीन लगा हुआ है, कटिंग करके आगे निकाल देती है। तो इसमें आपका पूरा नैपकिन जो है तैयार होके बाहर निकलता है। आपने इसमें से सिर्फ उठाने हैं, जितने नैपकिन का आपने काउंटिंग करना है वो नैपकिन यहाँ से उठाकर आपने इसको सीधा पैक करना है। ये आप देख सकते हो मेरे पास एक पैक बना हुआ है, जितने का भी आपने पैक बनाना हो वो इसमें आप बना सकते हो। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, पीछे रोल लगेगा, एक बार सेटिंग करना है, उसके बाद खुद ब खुद मशीन तैयार करके बाहर निकालेगा। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन होता है। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कैसे वर्किंग होता है और कैसे इसका नैपकिन तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा पेपर का रोल है जिससे पेपर निकल के एक मशीन के अंदर जा रहा है और वहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, और कुछ प्रोसेसेस होने के बाद वो जो पेपर का रोल है, वो पेपर जो है वो एक कटिंग मशीन के अंदर जा रहा है। वहाँ पर पेपर जो है वो एक पर्टिकुलर एक साइज के अंदर कट हो रहे हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ पेपर के बंचेस तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, ये वही पेपर है जिसे हम रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये है पेपर नैपकिन का बिजनेस। अभी आप जो मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं वो पेपर नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से पेपर नैपकिन के बंचिस जो है वो आप तैयार होते हुए देख रहे हैं। और इस मशीन में कौन सा पार्ट किस तरह का वर्क करता है वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से आप उसमें अपने लोगोज वगैरह भी इसी मशीन से क्रिएट कर सकते हैं और पेपर नैपकिन के बंचिस जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी बड़ी होटल या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट का ऑर्डर लेते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि उनके पेपर नैपकिन के ऊपर उनका एक पर्टिकुलर लोगो छपा हुआ हो। जैसे कि अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पेपर नैपकिन के ऊपर उन पर्टिकुलर होटल्स का लोगो छपा हुआ होता है। तो आप मशीन के जिस भाग को भी देख रहे हैं वो यही काम करता है कि आपका जो पेपर है उसके ऊपर लोगो की प्रिंटिंग करती है। आप कोई भी लोगो, कस्टमाइज लोगो आप उस मशीन के अंदर डाल दो, मशीन के इस भाग के अंदर आप डाल देंगे तो उस पेपर के ऊपर उस मशीन का, मशीन से जो लोगो होगा वो छप जाएगा। यानी कि आप कस्टमाइज पेपर नैपकिन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी होटल या फिर कोई भी रेस्टोरेंट का लोगो लगा सकते हैं और हर एक नैपकिन के ऊपर उस लोगो का जो है वो प्रिंटिंग हो जाएगा पर्टिकुलर इस मशीन से, मशीन के भाग से।
तो दोस्तों ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग की बात, अभी आपको कॉस्ट कैलकुलेशन दिखा दूं कि किस तरह से आपको पेपर नैपकिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्टिंग किस तरह से पड़ती है, इस मशीन की कॉस्टिंग क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल आता है यानी कि जो ब्लैंक पेपर है उसकी कॉस्टिंग क्या है, और उसका पावर कंजप्शन कितना है मशीन का, लेबर की कॉस्टिंग कितनी होगी, वो सब कॉस्ट कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। पूरा उसका डिटेल लेखा जोखा जो है वो तैयार है कि किस तरह से इसमें कॉस्टिंग आती है और बाद में हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कॉस्टिंग में से बात करके हम कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली कमा सकते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन अभी मैं आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कैपेसिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर पेपर नैपकिन मशीन, यानी कि पेपर नैपकिन का पूरा कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ नैपकिन दैट कैन बी मेड ऑन द मशीन based on 10 hours working on daily basis and 25 days working month, यानी कि पूरे एक महीने के अंदर 25 दिनों के अंदर अंदर हर रोज 10 घंटे काम कर सके, यानी कि जो रविवार की जो रजा होती है वो बात कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा महीने 25 दिनों का लिखा हुआ है और हर महीने हर रोज का 10 घंटे का काम। तो यहाँ पर इस तरह से पेपर नैपकिन का प्रोडक्शन जो है वो पर मिनट पर आवर पर डे और पर मंथ का लिखा हुआ है, ये एक नैपकिन का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका बंच का नहीं है। बंच जो है वो 50 नैपकिन का एक बंच होता है। तो यहाँ पर मंथ इतने नैपकिन तैयार होते हैं। फिर इसका कॉस्टिंग जो है वो ऑन एन एवरेज कितना आएगा, हर शहर में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर एक एवरेज कैलकुलेशन गिने तो लेबर का जो चार्ज होता है वो स्किल्ड लेबर 15,000 और अनस्किल्ड लेबर 5,000, यानी कि टोटल 25,000 रुपए जो है वो लेबर का खर्चा आ जाएगा। टोटल पावर का खर्चा आ जाएगा वो तकरीबन 5,000 रुपए जितना हर महीना आ जाएगा। इंक यानी कि जो हम लोगो प्रिंट करते हैं उसका जो अगर हम खर्चा गिनते हैं तो वो पर मंथ तकरीबन 10,000 रुपए का हो जाएगा। और पैकेजिंग मटेरियल यानी कि जो बाद में जो बंचिस का जो हम पैकेजिंग करेंगे कार्टन बॉक्स वगैरह वगैरह, उसका जो टोटल खर्चा है वो ऑन एन एवरेज इतने प्रोडक्शन के हिसाब से तकरीबन 8,500 रुपए का उसका खर्चा होगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो उसका जो रॉ मटेरियल होगा, इसका जो पेपर का जो बंच होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसका कॉस्ट नहीं यानी कि उस पेपर का कॉस्ट नहीं वो भी हम गिनेंगे, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो होगा वो तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास का होगा। और अदर एक्सपेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टी टबेको पान मसाला ना खाए तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उसका कैलकुलेशन जो है वो लिखा हुआ है 500 रुपए, ठीक है, जिसमें हमारा बेसिक कॉस्टिंग ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। उसका एक दूसरा तरीका भी है लेकिन ये मुझे थोड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा है इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करता आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल 60 रुपीज पर केजी, यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल था, जो पेपर का जो रोल था, उसका जो कॉस्टिंग है वो 60 रुपए पर किलो के हिसाब से आता है। फिर पर मंथ यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल 60 × 11,250, 6,75,000 रुपए का मटेरियल का कॉस्टिंग हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पर मंथ 54,000 जो हमने ऊपर गिना, फिर टोटल एक्सपेंस हो जाएगा इतना। फिर इसमें 1% जो है वो वेस्टेज होगा। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है 1 kg रॉ मटेरियल प्रोडक्शन 600 नैपकिन्स, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पेपर पैकेट इज 6 रुपीज, यानी कि 6 रुपए के अंदर अंदर एक पैकेट जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको शांति से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शांति से समझ सकते हैं, इसका भी आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, बाद में कॉस्ट कैलकुलेशन समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों जो पेपर नैपकिन का बंच हमें 6 रुपए में पड़ता है, वो बंच जो है उसके 6 पैकेट का जो पूरा पैकेट आता है 50 नैपकिन का 6 का पैकेट, वो यहाँ पर 300-400 रुपए में बिक रहा है, यानी कि एक बंच जो है वो यहाँ पर तकरीबन 50 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था Amazon के ऊपर यहाँ पर उस तरह के पैकेट जो है वो 50 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 50 नैपकिन का पैक 6 का पूरा पैक आता है, यानी कि ऐसे पूरे 6 पैक आते हैं 300 रुपए में। तो उस हिसाब से एक पैकेट जो है जो हमें 6 रुपए में पड़ रहा था वो यहाँ पर बिक रहा है तकरीबन 50 रुपए से भी ज्यादा में। देखिए यहाँ पर 50 रुपए भी ज्यादा में बिक रहा है, ये बेस्ट सेलर है, ठीक है, 320 रुपए में, ठीक है, यहाँ पर बिक रहा है पैकेट ऑफ 3, ठीक है।
आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो यहां पर अपना पेपर नैपकिन जो बेच रही है, कुछ तो बेस्ट सेलर बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आप भी यहां पर अपने अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके यहां पर बेच सकते हैं अपने पेपर नैपकिन अमेजोन के ऊपर कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर आप यहां पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।